ममता बनर्जी ने आज से द्वारे द्वारे पश्चिम बोंगो सरकार हर द्वार बंगाल सरकार अभियान का आगाज किया है। टीएमसी का यह अभियान 1 दिसंबर से 30 जनवरी यानी चुनाव की घोषणा तक जारी रहेगा। सरकार इस अभियान के तहत राज्य भर में अगले 2 महीने तक सभी ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम पालिकाओं के वार्डों में करीब 20,000 शिविरों का आयोजन करेगी। इन शिविरों के जरिए 11 महत्वपूर्ण योजनाओं को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बंगाल में द्वारे द्वारे सरकार अभियान को ममता बनर्जी ने 4 चरणों में बांटा है। पहला चरण 1 दिसंबर से शुरू होगा और 11 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा चरण 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद तीसरा चरण 2 जनवरी 2021 से 12 जनवरी तक और चौथा चरण 18 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रशासन और टीएमसी वर्कर ममता सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनाव प्रबंधन प्रशांत किशोर कुमार संभाल रहे हैं। माना जा रहा है कि द्वारे द्वारे सरकार अभियान प्रशांत किशोर के ही दिमाग की उपज है। इससे पहले वह कई राज्यों में ऐसे ही फॉर्मूला अपना चुके हैं जिसके राजनीतिक नतीजे काफी सकारात्मक रहे हैं। बता दें कि पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।